डूंगरगढ़ के दरबारी स्थित विप्र भवन में भगवान श्री परशुराम जन्मोत्सव की तैयारी को लेकर बैठक हुई संपन्न। डोंगरगढ़ 25 अप्रैल दिन गुरुवार को खैरागढ़ रोड के दरबारी स्थित ब्राह्मण समाज के विप्र भवन में सामाजिक बैठक संपन्न हुई, जिसमें आगामी 7 मई को भगवान श्री परशुराम जी के जन्मोत्सव की तैयारी को लेकर बैठक में चर्चा की गई, जिसमें समाज के पदाधिकारियों एवं समाज के लोगों की उपस्थिति में निर्णय लिया गया कि आगामी 7 मई को सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक बच्चों एवं महिलाओं के लिए विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा व शाम 4 बजे सुंदरकांड का पाठ, तत्पश्चात शाम 4:30 को बाइक रैली से नगर भ्रमण कर वापस विप्र भवन में पहुंचकर भगवान श्री परशुराम जी की आरती पूजा अर्चना के बाद महाप्रसादी का आयोजन किया जाएगा। CNI न्यूज डोंगरगढ़ से महेंद्र शर्मा बंटी की रिपोर्ट। रायपुर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने राज्य के DKS अस्पताल में उपकरण खरीदी घोटाले के आरोपित तत्कालीन अधीक्षक व पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के दामाद डॉक्टर पुनीत गुप्ता को सशर्त अग्रिम जमानत प्रदान की है। रायपुर की गोल बाजार पुलिस ने DKS अस्पताल में एम्बुलेंस व उपकरण खरीदी में 50 करोड़ रुपए के घोटाले की जांच के बाद डॉक्टर गुप्ता के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम व 420 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है। इसके खिलाफ डॉक्टर गुप्ता ने अधिवक्ता विवेक शर्मा के माध्यम से हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत आवेदन पेश किया था। इसमें कहा गया कि अस्पताल में उपकरण खरीदी के लिए समिति गठित की गई थी। समिति में अस्पताल अधीक्षक के अलावा अन्य लोग भी सदस्य थे। पुलिस ने षड्यंत्र बताते हुए सिर्फ उनके खिलाफ अपराध दर्ज किया है, जबकि उनके द्वारा घोटाला किए जाने का कोई साक्ष्य नहीं है। राजनीतिक विद्वेष के कारण उन्हें फंसाया गया है। CNI न्यूज रायपुर से आकाश जैन भंसाली की रिपोर्ट। रायपुर छत्तीसगढ़ में अब सूरज ने आग उगलनी शुरू कर दी है। महज 48 घंटे में रायपुर समेत प्रदेश के सभी शहरों का तापमान आसमान पर पहुंच चुका है। 25 अप्रैल इस सीजन का सबसे गर्म दिन रहा। रायपुर 42.8 डिग्री जा पहुंचा तो बिलासपुर अपने इसी सीजन के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 43.4 डिग्री जा पहुंचा। राजनांदगांव, दुर्ग भी 43 डिग्री पहुंच चुके हैं। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि आने वाले 2 दिनों में पारा 44 सेकंड 45 डिग्री भी पहुंच सकता है। फिलहाल लालपुर मौसम विभाग ने अभी लू अलर्ट हीट स्ट्रोक जारी नहीं किया है। वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक पोषण लाल देवांगन का कहना है कि शुक्रवार को अगर पारा 1 डिग्री चढ़ा तो अलर्ट जारी कर दिया जाएगा। CNI न्यूज रायपुर से आकाश जैन भंसाली की रिपोर्ट। कोंडागांव विधायक कोंडागांव को मिली बड़ी जिम्मेदारी, अमेठी में कांग्रेस का प्रचार करने होंगे रवाना। कोंडागांव विधायक कोंडागांव और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य मोहन मरकाम को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देते हुए अमेठी लोकसभा क्षेत्र, जहां से कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी लोकसभा उम्मीदवार है, में चुनाव प्रचार की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। कोंडागांव विधायक मोहन मरकाम 26 अप्रैल को कोंडागांव से अमेठी के लिए साथियों साथ प्रस्थान करेंगे। मोहन मरकाम को मिली जिम्मेदारी से कांग्रेस कार्यकर्ताओं में हर्ष का माहौल है। CNI न्यूज कोंडागांव से गिरीश जोशी की रिपोर्ट। रायपुर छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस का न्याय यात्रा वाहन उत्तर प्रदेश रवाना, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एवं अन्य वरिष्ठ नेतागण यूपी में करेंगे प्रचार। रायपुर छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस द्वारा उत्तर प्रदेश हेतु प्रचार वाहन, जिसमें छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष एवं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एवं अन्य वरिष्ठ नेतागण प्रचार करेंगे। न्याय यात्रा प्रचार वाहन को प्रदेश कांग्रेस प्रभारी महामंत्री गिरीश देवांगन ने आज हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रदेश कांग्रेस महामंत्री व संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी, प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री एवं प्रचार वाहन प्रभारी अरुण भद्रा, प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री महे अंद्र छाबड़ा, प्रदेश कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला, प्रवक्ता विकास तिवारी, प्रदेश सचिव सलाम रिजवी, प्रदेश कांग्रेस के सांस्कृतिक विभाग के अध्यक्ष दिलीप षडंगी, शमीम अख्तर, राजेश पांडेय, प्रवीण जैन, प्रशांत ठक्कर, देवा मोहंती उपस्थित थे। CNI न्यूज रायपुर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। जबलपुर, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जबलपुर में किया चुनावी प्रचार, PM मोदी पर जमकर बरसे। जबलपुर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लोकसभा क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी विवेक तनखा के चुनावी प्रचार के लिए जबलपुर पहुंचे। मुख्यमंत्री ने पत्रवार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि महाकौशल और छत्तीसगढ़ का पुराना और ऐतिहासिक संबंध रहा है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज सकते हुए कहा कि वे लोगों को झाड़ू पकड़ा कर विदेश घूमने जाते हैं।
सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री का पदभार ग्रहण करने के बाद कहा था कि वे 5 साल बाद रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगे। उन दिनों किए गए वादों का पालन तक नहीं कर सके। मामला चाहे अच्छे दिन का हो, सबका साथ सबका विकास वाला, धन वापसी का हो या फिर किसानों की समस्याओं का, किसी भी वादे को पूरा नहीं सके। वे यह भी नहीं बता पाए कि काला धन वापसी के बाद कितना पैसा सरकारी खाते में जमा हुआ। नोटबंदी का दुष्प्रभाव पूरे देश के लोग जानते हैं। दूसरी आजादी के नाम पर कानून में संशोधन की स्थिति क्या है? कुल मिलाकर उनका कार्यकाल असफलताओं से भरा है। इस वर्ष के चुनाव के लिए भी वे क्या करेंगे भी नहीं बता सके। वे देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं लिया। पम जवाहरलाल नेहरू से लेकर डॉ मनमोहन सिंह तक सभी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे हैं, मोदी के मन की बात करते हैं और लोगों को भ्रमित करते हैं। उनके कार्यकाल में सवाल पूछना अपराध माना जाता है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जहां भी जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, चर्चा करते हैं और प्रेस का फ्रेंड्स के माध्यम से अपनी राय जाहिर करते हैं, क्योंकि कांग्रेस को लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विश्वास है। उन्होंने किसानों की समस्याओं पर चर्चा करते हुए कहा कि कांग्रेस की सोच ऋण माफी से ऋण मुक्ति की ओर है। उन्होंने संसद में रेल बजट की समाप्त को दुर्भाग्यजनक बताया और कहा कि इससे आम जनता को कई जानकारियों से वंचित पूख दिया गया है। पिछले 5 सालों से रेल बजट बंद है। उन्होंने आम आदमी के स्वावलंबन चर्चा करते हुए कहा कि कांग्रेस किसान, महिला, पुरुष एवं विद्यार्थियों के स्वावलंबन की दिशा में कार्य करने संकल्पित है। विद्यार्थियों को 12वीं तक की शिक्षा निःशुल्क दिए जाने की योजना है। गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले नागरिकों को अधिक से अधिक सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाया जाएगा। उन्होंने देश सशक्त और लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत बनाने कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने का आग्रह किया। पत्रकार वार्ता के दौरान जबलपुर लोकसभा क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी विवेक तनखा भी मौजूद थे। CNI न्यूज जबलपुर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। रायपुर शिवसेना का 27 को रामनवमी शोभायात्रा। रायपुर शिवसेना छत्तीसगढ़ इकाई 27 मई शनिवार को राजधानी में रामनवमी महोत्सव के तहत विशाल शोभायात्रा निकालेगी। शोभायात्रा में इस बार महाराष्ट्र से कोई भी राष्ट्रीय स्तर के नेता शामिल नहीं हो रहे हैं, क्योंकि 28 मई को वहां पर मतदान होना है। शोभायात्रा शाम को 5 बजे फूल चौक से निकलेगी, जो नगर भ्रमण करते हुए वापस फूल चौक पहुंचेगी, जहां छत्तीसगढ़ प्रदेश अध्यक्ष धनंजय सिंह परिहार व अन्य पदाधिकारी सभा को संबोधित करेंगे। पत्रकार वार्ता में शिवसेना छत्तीसगढ़ महानगर प्रमुख सुनील कुकरेजा, जिला अध्यक्ष आशीष परिडा ने बताया कि शोभायात्रा वाले मार्ग को वन वे किया गया है। शोभायात्रा फूल चौक, शारदा चौक, जयस्तंभ चौक, मालवीय रोड, चिकनी मंदिर, सिटी कोतवाली, सदर बाजार, सद्दानी चौक, सत्ती बाजार, आजाद चौक, होंडीपारा, ललिता चौक, बड़ीपारा, रामसागरपारा, गुरु नानक चौक, एनजी रोड होते हुए नवीन बाजार फूल चौक पहुंची। शोभायात्रा में 30 झांकियों के साथ अखाड़ा प्रमुखों के शामिल होंगे। पूरे छत्तीसगढ़ से लगभग 25,000 शिव सैनिकों के शामिल होने की संभावना है। CNI न्यूज रायपुर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। रायपुर के लोधीपारा चौक स्थित ग्रैंड होंडा शोरूम में शॉर्ट सर्किट से लगी आग। रायपुर राजधानी रायपुर के लोधीपारा चौक स्थित ग्रैंड होंडा शोरूम में गुरुवार सुबह शॉर्ट सर्किट के चलते आग लग गई। आग से किसी प्रकार की जनधन की हानि होने की खबर नहीं है। दमकल कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया है। CNI न्यूज रायपुर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। हम है आपका विश्वास, हम है आपकी आवाज, हम जरिया है आपकी भावनाओं का, हम है आपका भरोसा। खबर से लेकर असर तक हम दिखाते हैं बुरी खबर। हम है CNI न्यूज़।